हेलो बच्चों लेट्स शेड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन हियर इज द फ्लो ऑफ करंट फॉर फॉरवर्ड बैसिंग इन अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड uh, बैसिंग में तो uh, uh, ये किस तरफ होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा और होल्स का मूवमेंट किस तरफ होगा सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज इट इज अबाउट द फॉरवर्ड बाय ओके फॉरवर्ड बाय सिंह पी एन जंक्शन ओके पी एन जंक्सन ओके तो पी एन जंक्सन क्या होता है जो हमारा मान लो ये एक सेमीकंडक्टर है ओके okay. और ये इधर इधर मान लो होल्स ज़्यादा है ओके okay. नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ होल्स मोर ओके तो ये हो गया ये कौन सा जंक्शन हो गया ये पी ये पी साइड हो गया पी टाइप ओके और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ओके okay. तो ये क्या हो गया एन टाइप ओके तो ये पी ये पी जंक्शन ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप है ये हो गया हमारा फॉरवर्ड सॉरी ये हो गया हमारा पी एन जंक् डायोड तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो अ, अ, हमारा जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें क्या कंडीशन आता है फॉरवर्ड बायसिंग में हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रीजन वेयर देर इज पॉजिटिव वेयर देर इज पॉजिटिव ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की साइड मूव करेगा और होल्स मूव्स Towards negative, okay. Towards negative. So this recombination, this recombination of holes and electrons and electrons allows and electrons allows current to flow through the di diode allows the current to flow through the diode okay so forward bias forward bias reduces the barrier, barrier potential junction, poten barrier potential of the junction. Okay. and uh, this enables the charge, the charge carriers across the junction. So the combined uh, electrons and uh, holes. फ्लो फ्लो विल जनरेट करेंट विल जेनरेट करेंट तो कर जो जो हमारा इलेक्ट्रॉन किस डिरेक्शन में फ्लो होगा दट इज फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड ओके एन साइड टू पी साइड क्यों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा और होल किस तरफ फॉर्म होगा फ्रॉम पी साइड टू साइड ओके तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके ए इज करेक्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू एन साइड एंड होल्स फ्रॉम एंड टू पी साइड नहीं ये तो गलत है और मोशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन बोथ तो नहीं होगा बोथ एक, एक ही डिरेक्शन में नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर आई होप सो यू अंडरस्टंडल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू